वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का कहना है कि 262 जाली पायलट्स के बयान पर आज भी कायम हूँ। पायलट्स के लाइसेंस में बेजाबतगियां पाई गई, कुछ पायलट्स के 8 इम्तिहान उनकी जगह और लोगों ने दिए। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का ये कहना है कि 28 पायलट्स को चार्जशीट के बाद बरतरफ किया जा चुका है। शोकॉज नोटिस वजाहत में कुछ पायलट्स ने इतराफ भी किया। उनका ये कहना था कि पायलट्स की तहकीकात गुज़श्ता साल फरवरी से चल रही थी, तहकीकात में 262 पायलट्स के लाइसेंस मशकूक पाए गए हैं। वजीर आजम को भी इंक्वायरी रिपोर्ट पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर हवाबाजी ने कहा कि 174 पाकिस्तानी पायलट्स गैर मुल्की एयरलाइंस में काम कर रहे हैं। गैर मुल्की एयरलाइंस ने पायलट्स के लाइसेंसेज की तस्दीक मांगी है। 174 में से 166 पायलट्स के लाइसेंसेज की तस्दीक कर दी गई है। पायलट्स की जांच पड़ताल का अमल भी जारी रहेगा, जबकि ऑडिट के बाद दुनिया को खुद अपने पायलट्स की खिदमात पेश करेंगे। गुलाम सरवर ने बताया कि PIA पर 2007 से 2009 तक यूरोप में पाबंदी रही। पायलट्स के मामले पर यूरोप वजारत खारजा से राबते में है। अगर गलत काम हो चुका तो क्या अपनी गलतियों का इतराफ न करें। उनका ये कहना था कि सिविल एविएशन अथॉरिटी को दो हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है। सिविल एविएशन के रेगुलेटरी और कमर्शियल उमूर अलग कर रहे हैं।